कांड का खुलासा हुआ है। नफीस ने ही 5 लोगों की हत्या की थी। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, नफीस ने ही 5 लोगों की हत्या की थी। हमीरपुर में जिस तरह से नरसंहार सामने आया था, एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल किया गया था। अब इस मामले का खुलासा हो चुका है, नफीस ने ही 5 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रॉपर्टी के विवाद में नफीस ने ही अपनों को मौत के घाट उतारा था। प्रॉपर्टी के विवाद में नफीस ने ये तमाम हत्याएं की थी। नफीस ने अपने भाई के परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। प्रॉपर्टी विवाद में 5 की हत्या की गई। मृतक का भाई नफीस ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता असद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, कल से ही लगातार भारत समाचार ये अंदेशा जाहिर कर रहा था कि प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की गई है, कोई अपना ही इस पूरे हत्याकांड के पीछे है, और अब जब खुलासा हुआ है तो वही सच्चाई सामने आई। तो लगता है ऐसा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये बड़ा खुलासा है। हमीरपुर में जिस तरह से एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल हुआ था, उस मामले में कड़ाई से पूछताछ के बाद नफीस ने सारी सच्चाई उगल दी है। नफीस ही अपने परिवार का हत्यारा निकला, भाई के परिवार को उसने ही खत्म किया है। नफीस ने अपने भाई रईस के परिवार को मार डाला, सभी की धारदार हथियार और हथौड़ों से हत्या की गई। मृतकों में 4 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी। हम आपको हमीरपुर कांड से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा है ये हमीरपुर कांड में, जिस तरह से एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी, पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी, उस मामले का अब खुलासा हो चुका है। भाई नफीसी परिवार का हत्यारा निकला है। प्रॉपर्टी विवाद में यहां पर 5 को मौत के घाट उतारा गया है। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे, ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि प्रॉपर्टी के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लेकिन सवाल ये बना हुआ था कि आखिर किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, किस तरीके से दिया है, कब इस हत्या को किया गया। इन तमाम सवालों के जवाब अब मिलते नजर आ रहे हैं। खुलासा हो चुका है, नफीस से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज यहां पर उगल दिया है, और यह बात अब सामने आ चुकी है कि नफीस ही इन 5 हत्याओं के लिए जिम्मेदार था, वही हत्यारा था एक ही परिवार के 5 लोगों के कत्ल की घटना में। हम आपको सबसे बड़ा खुलासा बता रहे हैं। भारत समाचार ने पहले ही बताया था कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। जिस तरह से हत्याएं की गई थी, जिस तरीके से की गई थी, और आसपास के लोगों को भनक भी नहीं लगी, तो उसके बाद यह अंदेशा जाहिर किया जाता था कोई अपना ही इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। और जब पुलिस ने लगातार वर्कआउट किया, अब जब यहां पर चीजें स्पष्ट हुई हैं, तो नफीस ही पूरे परिवार का हत्यारा निकला है। हमीरपुर कांड में सबसे बड़ा खुलासा, नफीस ही हत्यारा है 5 का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। जिस तरह से कल यहां पर हमीरपुर में ये घटना सामने आई थी, जब एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 महिलाएं शामिल थी, 2 मासूम शामिल थे, और एक बुजुर्ग की बेदर्दी से पत्थर से कूच कूच कर हत्या की गई थी। अब उस मामले में बड़ा खुलासा हो चुका है, नफीस ही यहां पर हत्यारा निकला है। बड़ा भाई यहां पर प्रॉपर्टी के विवाद में इन 5 की हत्याएं की गई थी। हमीरपुर नरसंहार कांड का खुलासा हो चुका है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमीरपुर कांड का यहां पर खुलासा हो चुका है। Thank you.